रहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, ओ देखो टप्पू बेटा तू? मैं टप्पू। दादाजी का लाडला टप्पू। माँ का दुलारा टप्पू। और पापा की आंखों का तारा टप्पू। आप सबका चहिता टप्पू। गोकुल धाम का नटकट टप्पू। टप्पू सेना का दोस्त टप्पू। गोकुल धाम का सरदार टप्पू। ओए टप्पू पुत्र, क्या टॉप क्लास एंट्री मारी है? टप्पू आ गया बाबूजी। दादाजी टप्पू
क्या एंट्री मारी हो ऐसे लटक के डांस बेंच करके सब है और टप्पू आ गया तो मजा ही आ गया। टप्पू तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया। हाँ और इतना अच्छा सरप्राइज देकर तो तूने कमाल ही कर दिया। क्लासिक। अरे क्या कमाल कर दिया, आधी रात को सबको परेशान कर दिया। बीड़े अंकल ये टप्पू का स्टाइल है। कैसी लगी टप्पू की शरारत? जोर की लगी और सबको लगी। ये कोई तरीका है? लेकिन अंकल ये टप्पू का स्टाइल है। टप्पू इज बैक और टप्पू मतलब शरारतों का पावर पैक। और टप्पू की एंट्री होती है तो शरारतें और हंगामे तो होते ही है ना। हाँ सही बात है। अरे क्या हाँ गोली, ये टप्पू का वजह से सब लोग टेंशन में आ गए कि सोसाइटी में भूत आ गए। टप्पू तुमने सबको डरा दिया। अरे क्या फायदा उसको बोल के आई यार, ये तो छुप छुप के देख रहा था, हम सब यहाँ पे डर रहे थे और ये मजे ले रहा था। एक मिनट बेटा अंकल, आप डर रहे थे? क्योंकि डर तो आदमी को अंदर से डर रहे थे मतलब परेशान हो गए थे ना सब। अरे क्यों किया ऐसा टप्पू? अंकल मैंने ये सब आप सबको सरप्राइज देने के लिए किया। टप्पू बेटा तेरी सरप्राइज ने हम सबकी दुनिया हिला दी थी। पोपटलाल इसे सरप्राइज ही शौक कहते हैं। हाँ अरे बबीता बेचारा कितना डर गया था। इट्स ओके आई गेट। वाह वाह क्या वाह क्या वाह। अरे टप्पू ने जो किया वो गलत है। बीड़े अंकल मैंने जो किया एक मजाक था। मजाक? रात को सबको जगाया भगाया दौड़ाया मजाक है? गोलिया गब्बसा तू। ये टप्पू पहले बॉल से खिड़की के कांच तोड़ता था, आता मजा कपड़ा फोड़ते है। और टप्पू तुमने मेरे को गिफ्ट में कैसा रोबोट भेजा, कितना जोर का झटका लगा मेरे को। क्या हुआ? ये रोबोट से मेरे को झटका लगा। हाँ टप्पू बेटा तुमने जो मुझे गिफ्ट में लड्डू भेजा था ना वो देख के मैं इतना खुश हो गया, पर जब वो लड्डू खाया तो इतना दुखी हो गया। मुझे लगा कि वो लड्डू एकदम मीठा मजेदार होगा और वो तो एकदम कड़वा निकला, वो पूरा कड़वा हो गया। और फिर मुंह का स्वाद ठीक करने के लिए आधा किलो मिठाई खानी पड़ी। वो है टप्पू पुत्र, तूने तो गिफ्ट में हमें सिर्फ बॉक्स ही भेजा। और बॉक्स के अंदर बॉक्स, और बॉक्स के अंदर भी बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर नल्ला सा बॉक्स। सुनिए बॉक्स कर मतलब कि बस कर सुनिए। सब कहना है कि हमें तो सिर्फ गिफ्ट में बॉक्स ही मिले यार, और मुझे नकली पिज्जा भेजा। नकली पिज्जा? हाँ विश्वास नहीं हो रहा है, खा के देखो। लेकिन मजा आया ना? मेरा मन तो बहुत मायूस हो गया, लेकिन अब तुम्हें मुझे असली पिज्जा खिलाना पड़ेगा। मेहता साहब सिर्फ आपको नहीं हम सबको खिलाना होगा। हाँ हाँ डेफिनेटली व्हाई नॉट। बेटा तू सबको असली पिज्जा खिलाने वाला है तो मुझे भी असली दुल्हन ढूंढ के देनी पड़ेगी। मुझे खिलौने की दुल्हन भेज दे। अब मैं तुम लोग पर ही आस लगा के बैठा हूँ कि तुम लोग ही मेरी शादी करवाओगे, और तुमने ही मेरे साथ ऐसा मजाक किया। वो जेठालाल तुम क्या कब से खड़े खड़े चुपचाप सुन रहे हो, तुम भी कुछ बोलो। नहीं हमको भी उसने डराया, वो गिफ्ट बॉक्स में वो रमकड़े का पिल्लू भेजा। एक कुत्ता
तो बापू जी इसको असली पिल्लू समझे वो डर गए एकदम। अरे ये मुझे क्या बोल रहे हो उसको बोलो। अरे इसको क्या बोलो, गिफ्ट तो इसी ने भेजी ना। अरे बोलो मतलब उसको डांटो, उसको पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ ना, टप्पू आएगा तो धमाके से ही आएगा। सही बात है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चीज बिना हंगामे के कभी हुई है? नहीं, 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 नहीं। और बीड़े अंकल अब टप्पू शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? और नहीं तो क्या? अरे शरारत करने के लिए तुम बच्चे नहीं रहे टप्पू, तुम बड़े हो गए हो, बाहर जाके पढ़ाई करने लगे हो। गए थे ना तुम टुंड्रा प्रदेश में पढ़ाई करने के लिए? आंध्र प्रदेश। हाँ तेज थे, लेकिन बड़ा हो गया ना वो। तो क्या भीड़े अंकल, अब बड़े हो गए तो क्या शरारत नहीं कर सकते? टप्पू की ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक उसी तरह से शरारत की भी कोई उम्र नहीं होती। भाई जब तक दिल में बच्चा जिंदा है तब तक मस्ती मजाक तो होने ही चाहिए, हंगामे तो होने ही चाहिए। सही बात है, बराबर है मेहता साहब, लेकिन हंगामा ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना जिसकी वजह से सब हिल जाए। बाबा जाने दीजिए ना, टप्पू कितने दिनों बाद आया है। हाँ यही बातें है ना, इसकी शरारत को बढ़ावा देती है। शाहू सोडा ना आता, कितने दिनों बाद आए बेचारा। अरे तो मारा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिनों बाद आया तो ठीक है ना, लेकिन दिन में आना चाहिए ना, रात में क्यों आया, ठीक से सो भी नहीं पाए। अभी रोज तो सोते, एक दिन नहीं सोने मिला उसमें क्या? क्या 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 बोला, क्या बोला? बोला रोज तो सोते हैं, एक दिन नहीं सोने मिला तो उसमें क्या? ओ जेठालाल, मैं तुम्हारी तरह ना रोज देर तक नहीं सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ सुबह। तो क्यों जल्दी उठ जाता है भाई, तू भी देर तक सोते रहना, किसने मना किया है? लवकर नीजे लवकर उठे, तया सा आरोग्य संपत्ति लाभे। तू कैसे? रात्रे जे वेल्ला सुए वेल्ला उठे वीर, बल बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर, समझे? हाँ तो मारू शरीर सुखमा ज रहे से हमेशा, ये दिखता नहीं है क्या? सुखमा है पूरा शरीर मेरा। मैं नहीं समझा, अब ये तमिल में नहीं आता मुझे, आइए तो इंग्लिश में समझा। और बाद में समझाता हूँ, अभी ये टाइम नहीं है ना यार। ओए पिड़ू गुस्सा छोड़ दे यार, कल सारा दिन सोते रहना। सूरी सवाल सोने का नहीं है भाई। ओए सवाल सोने का हो या चांदी का, अपने हीरे जैसा टप्पू आया और छोड़ दे यार गुस्से नू। ये तुम बोल रहे हो सूरी, सबसे ज्यादा गुस्सा तो तुम्हें आ रहा था। तुमने क्या बोला था, ये जो कुछ भी कर रहा है ना मेरे हाथ से आ जाए तो मैं चढ़ूंगा नहीं उसको, चट्टी बना दूंगा। आता क्या है? ओए पिड़ू अगर टप्पू की जगह कोई और होता ना तो उसकी चटनी क्या, उसका तो मैं अचार बना देता और तुझे ही बेचने के लिए देता। लेकिन ये तो हमारा शरारती बदमाश टप्पू है, और टप्पू और टप्पू सेना के लिए सब चलता है। सब चलता। थैंक यू अंजलि आंटी। हाँ हाँ टप्पू सेना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की जान है। थैंक यू थैंक यू। आहो अभी भूल जाइए ना सब, छोड़ दीजिए गुस्सा प्लीज। हाँ टप्पू ने जो किया उसमें हमें थोड़ी परेशानी तो हुई, पर उसका इरादा तो सरप्राइज देने का ही था ना। डर तो लगा पर मजा भी आया। दोस्तों टप्पू आ गया है, टप्पू मतलब तूफान, टप्पू मतलब हंगामा, टप्पू मतलब स्मार्टनेस, टप्पू मतलब समझदारी, टप्पू मतलब शरारत। दोस्तों टप्पू के आते ही सारी शरारत खुशी में बदल गई, गोकुल धाम वासियों के चेहरे से टेंशन दूर हो गई और चेहरे पे मुस्कान आ गई। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि टप्पू ये सब कर कैसे रहा था, कोई है जो टप्पू का ये सब करने में साथ दे रहा था? मतलब अचानक से स्कूटर की लाइट बंद चालू होना, अचानक से टेरेस पर से रॉकेट छूटना, अचानक से स्पीकर का मिलना। दोस्तों कोई तो है जो टप्पू का साथ दे रहा है, जब गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा कि वो इंसान कौन है पता नहीं क्या हो। खैर छोड़िए टप्पू आ गया है,
अब गोकुल धाम में हंगामे होंगे, गोकुल धाम में मस्ती होगी, गोकुल धाम में शरारत के रॉकेट छूटेंगे, खुशियों की बारिश होगी, खट्टे मीठे झगड़े भी होंगे, लेकिन आपके घर पर हंसी और खुशी के ठाके ही छूटेंगे। अब आपको मिलेगा खुशियों का डबल डोज और आपके लिए खुशी होगी डबल हर रोज। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.